हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माई चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉन के नेचर के बारे में, कैसे इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, एविडेंस फॉर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट रिप्रेजेंट द पार्टिकल इफेक्ट, पार्टिकल बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ मैटर वेव्स शोज द वेव्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन यूवी लाइट इज शोन ऑन अ मेटल प्लेट इन अ वैक्यूम इट इमिट्स अ चार्ज पार्टिकल, ये बताया था हर्ट्ज ने इन 1887 में, विच वेयर लेटर शोन टू बी इलेक्ट्रॉन बाई जे जे थॉम्सन इन 1899। दिस इज द डायग्राम, मेटल प्लेट जहाँ पे यूवी लाइट इंसिडेंट होती है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है और ये एनोड की तरफ बढ़ते हैं। ये कलेक्टिंग प्लेट एनोड की तरह काम करती है और अमीटर हमने रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करेंट को मेज़र करने के लिए। और ये सारा कुछ एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर होता है। और यहाँ एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा होता है। क्लासिकल एक्सपेक्टेशन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ अ लाइट एग्जर्ट फोर्स एफ इक्वल माइनस ई कैपिटल ई ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस फोर्सेस इंक्रीजेस सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड इंक्रीजेस। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन शुड बी इमिटेड वॉट एवर द फ्रिक्वेंसी न्यू ऑफ द लाइट सो लॉन्ग एज ई इज सफिशियंटली लार्ज। और क्लासिकल ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट होना चाहिए चाहे कितनी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो। फॉर वेरी लो इंटेंसिटी एक्सपेक्टेड ए टाइम लैग बिटवीन लाइट एक्सपोजर एंड इमिशन वाइल इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द मटेरियल। क्लासिकल के अनुसार था कि अगर इंटेंसिटी लो होगी तो एक टाइम लैग होगा लाइट के एक्सपोज होने में और इलेक्ट्रॉन के इमिशन होने में, जबकि ऐसा होता नहीं है इस फिनोमेना में। तुरंत लाइट इंसिडेंट होती है और इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्चुअल में क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज भी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी, चाहे जितनी भी हम इंटेंसिटी बढ़ा लें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज नहीं करती। फॉर न्यू लेस देन न्यू नॉट, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होने पर, जिसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता। और तीसरी बात, देयर इज़ नो टाइम लैग, हाउएवर रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन लाइट इंटेंसिटी। तो उनके बीच कोई टाइम लैग नहीं होता, चाहे इलेक्ट्रॉन के इंजेक्शन का रेट डिपेंड करे लाइट की इंटेंसिटी पर। आइंस्टीन्स इंटरप्रिटेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के अनुसार जो इनर्जी इंसिडेंट होती है वो एक फोटोन की इनर्जी होती है, फोटोन के फॉर्म में जो एच न्यू के बराबर होता है। उन्होंने एक इक्वेशन दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू माइनस डब्ल्यू। वेयर एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू इज वर्क फंक्शन, दैट इज मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम मेटल डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, यूजुअली 2 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
and this is the value of H. और यहाँ एक टर्म यूज होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स, तो ये मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ही एक्सपेरिमेंट है, उसके अलावा किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैक्सिमम कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसी के लिए ये फिनोमेना है। समरी ऑफ फोटोन प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड वेव पार्टिकल ऑफ लाइट, दैट इज बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी, ई इक्वल टू एच न्यू, and also the relation between momentum and wavelength, that is the relativistic formula relating energy and momentum, this is E square equal to P square C square plus M square C power 4, here M is the mass of electron and C is the velocity of light, for light E equal PC, momentum into velocity, and C equal to nu lambda, P equal h upon lambda, lambda is c by nu, lambda is equal to c by nu, commonly written as E equal h cross omega, P equal h cross k, and omega equal to pi nu, k equal to pi by lambda, and h cross equal to h upon 2 pi, h क्रॉस या h पर, तो सही नोटेशन सही कॉलिंग इसकी है h बार। कॉम्प्टन स्कैटरिंग, कॉम्प्टन इन 1923 मेजर्ड इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज फ्रॉम सॉलिड टारगेट एज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट एंगल, ही वॉन द 1927 नोबेल प्राइज फॉर दिस। दिस इज द टारगेट, when x-ray light is incident, x-ray rays incident on the target और यहाँ से हम पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं स्कैटरिंग होने के बाद, और ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे शो किया गया है वेवलेंथ के लिए। के रिजल्ट जो है वो पीक इन द स्कैटर्ड रेडिएशन शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ देन सोर्स, जो वेवलेंथ होती है वो आफ्टर स्कैटरिंग लॉन्गर हो जाती है इंसिडेंट वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तो आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ इंक्रीज कर जाता है। अमाउंट डिपेंड्स ऑन थीटा बट नॉट ऑन द टारगेट मटेरियल, जो शिफ्टिंग है लेमडा की वो केवल डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, कितने एंगल से स्कैटरिंग हुआ, स्कैटर हुआ दिस एंगल थीटा, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। कॉम्प्टन स्कैटरिंग, क्लासिकल पिक्चर यह है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉजेज ऑसिलेशन इन पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विच री रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन एट सेम फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ एज अ इंसिडेंट रेडिएशन। चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड क्लासिकली, दिस इज इंसिडेंट वेव, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड इमिटेड लाइट वेव। जनरली हम इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में लेते हैं। कॉम्प्टन्स एक्सप्लेनेशन, बिलियर्ड्स बॉल्स कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इन द मटेरियल, कुछ बिलियर्ड्स बॉल्स के कोलिजन के जैसा इनका इंट्रैक्शन होता है, तो बिफोर कोलिजन इनकमिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, आफ्टर स्कैटरिंग वी गेट स्कैटर्ड फोटोन एंड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द स्कैटर्ड एंगल थीटा, एंड पी ई इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी न्यू डैश इज द मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन,
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट एच न्यू प्लस एम ई सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस दिस रिलेटिविस्टिक टर्म पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी पावर फोर एंड पी न्यू इक्वल एच अपॉन लेमडा आई. यहाँ हम केवल एक एक्सेस पे हम कंसिडर कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सेस. फॉर दिस कॉम्पोनेंट डिराइव द चेंज इन वेवलेंथ दिस फॉर्मूला दिस इज इक्वल डेल्टा लेमडा नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा. Here this wavelength is known as Compton wavelength and has the value 2.4 into 10 power minus 12 meter, generally 0.024 angstrom. Note that at all angles there is also an unshifted peak. This comes from a collision between X-ray photon and the nucleus of the atom. By this formula, since mass of neutron is greater than mass of electron, wave particle duality of light. In 1924, Einstein wrote, "There are therefore now two theories of light, both indispensable and." Without any logical connection, evidence for wave nature of light, that is diffraction and interference, and evidence for particle nature of light, photoelectric effect and Compton effect. Light is with diffraction and interference phenomena that are only explicable in terms of wave properties. Light is always detected as packets. Known as photon. If you look, we never observe half a photon. Half h nu, 3 half h nu is never. Number of photons proportional to energy density, to that is, to square the electromagnetic field strength. तो इलेक्ट्रॉन के वेव के बिहेवियर के बाद पता चलने के बाद दे ब्रॉगली ने एक थ्योरी दिया मैटर वेव. उन्होंने कहा कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो सकती है. तो वी हैव सीन दैट लाइट कम्स इन डिस्क्रीट यूनिट्स विद पार्टिकल हैविंग एनर्जी एंड मोमेंटम दे आर रिलेटेड टू द वेव लाइक पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. इन 1923 प्रिंस लुइस द एब्रिक पोस्टुलेट दैट ऑर्डिनरी मैटर कैन हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज विद द वेवलेंथ लैम्डा and momentum p in the same way as for light. De Broglie relation lambda equal h upon p Planck constant. Wavelength depend on momentum not on the physical size of the particle. This wavelength depend on momentum not on the physical size of the particle. Body ki size ya particle ki size kitni badi hai is pe depend nahi karta. केवल उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है वो, यानी किस वेलोसिटी से वो जा रहा है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. प्रोडिक्शन वी शुड सी डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ मैटर वेव सम अदर फॉर्मूला ऑफ दे ब्रॉगली वेवलेंथ. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल पी स्क्वायर अपॉन टू एम ई and p is h upon lambda and after calculating we get 1.7 into 10 power minus 10 meter. Wavelength of nitrogen molecule at room temperature this much. Wavelength of rubidium atom at 50 nanokelvin. This is the different formula for de Broglie wavelength lambda. इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जिसको शो किया डेविशन एंड जर्मन ने अपने एक्सपेरिमेंट में 1927 एंड गॉट द नोबल प्राइज इन 1937.
एट फिक्स एंगल फाइंड साव पीक्स इन इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर कुछ इसका इस तरह से वेव्स वेव फ्लाइंग. दिस इज द इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड. एट फिक्स्ड एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फाइंड ए पैटर्न ऑफ शार्प रिफ्लेक्टेड बीम्स फ्रॉम द क्रिस्टल एंड shows this nature. Electron diffraction interpretation similar to Bragg scattering of X-rays. जैसा कि Bragg scattering of X-ray में होता है कुछ उसी तरीके से ये दोनों incident ray है और ये reflected. Path difference between both lines are this. एंड हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब ये पाथ डिफरेंस एन लेमडा के इक्वल हो. वेयर थीटा आई एंड थीटा आर नॉट नेसेसरली इक्वल. नोट डिफरेंस फ्रॉम यूजुअल ब्रैग्स लॉ ज्योमेट्री द आइडेंटिकल स्कैटरिंग प्लेन्स आर ओरिएंटल परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो डिफरेंस है ब्रैग्स लॉ और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन में यहाँ हमने सेम प्लेन यूज किया है. वहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्लेन यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे हमने सिंपल इस प्लेन को यूज किया है और ब्रैक्स में हम दो प्लेन यूज करते हैं इस तरह से. वहाँ पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ओरिजिनली परफॉर्म्ड बाय यंग इन 1801 टू डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ लाइट हैज नाउ बीन डन विद द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स एंड एटम्स एमॉन्ग अदर्स. तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉन के लिए ये किया जा चुका है. डबल स्लिट 192. दिस इज द डी डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स. डिटेक्टिंग स्क्रीन जहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं and the distance between slits and the screen. Experimental result कुछ इस तरह से wave nature. यहाँ peak है peak. This is showing like a wave. डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए ये न्यूट्रॉन के लिए और यहाँ कार्बन 60 का नेचर कुछ इस तरह. ये सारे एक्सपेरिमेंटल व्यूज हैं. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ हीलियम एटम पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा. जैसा कि हम ने ब्रैग्स लॉ में देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस इज इक्वल एन लैम्डा एंड सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा आफ्टर सॉल्विंग वी गेट डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी वेयर कैपिटल डी इज दिस एंड स्मॉल डी इज हियर. एक्सपेरिमेंट्स में यूज हुआ है एटम एट 83 केल्विन विथ डी 8 माइक्रोमीटर एंड कैपिटल डी 64 सेंटीमीटर. तो हम सेपरेशन पाते हैं डेल्टा वाई इक्वल 8.2 माइक्रोमीटर एंड द ब्रोगली वेवलेंथ इज दिस प्रेडिक्टेड सेपरेशन डेल्टा वाई इक्वल 8.4 प्लस माइनस 0.8 माइक्रोमीटर. फ्रिंजेस स्पेसिंग इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट this is the case of interference. Since d is greater than small d, this is d is much greater than small d, so we use a small angle approximation. तो theta sin theta को हम theta ले सकते हैं small angle के लिए. तो theta is nearly equal to n lambda upon d and delta theta is equal to lambda upon d. पोजिशन ऑन स्क्रीन y इक्वल टू डी टैन थीटा. दिस इज y इक्वल
अगर हम इसको मिलाएंगे तो d tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर ए स्मॉल एप्रोक्सीमेशन दिस इज इक्वल d थीटा. सो सेपरेशन बिटवीन एडजस्टेंट मैक्सिमा डेल्टा वाई इक्वल डी इंटू डेल्टा थीटा डेल्टा वाई इक्वल टू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी दिस इज पुटेड हियर डेल्टा थीटा इक्वल लेमडा वाई डी. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरप्रिटेशन द फ्लक्स ऑफ पार्टिकल्स arriving at the slits can be reduced so that only one particle arrive at a time. Interference fringes are still observed. Wave particle can be shown by a single atom. Each particle goes through slit at once and a matter can interfere with itself. Hence matter wave are distinct from H2O molecules collectively. Give rise to matter waves, water waves. Wavelength of matter wave uncorrected to any internal size of the particle instead of it is determined by the momentum. तो जो wavelength of matter wave है वो size पे corrected नहीं है. हमने हर formula में देखा mass नहीं था wavelength के formula में, momentum था. momentum the wavelength of the matter wave is only depend on momentum. If we try to find out which slit the particle goes through the interference pattern vanishes, we can't see the wave particle nature at the same time. So jis time hum particle nature dekhenge us time hum wave nature nahi de sakte. Jis time hum wave nature ko dekh rahe honge wahan particle nature nahi de sakte. तो एक थ्योरी भी था इसके लिए बोर ने दिया था बोर कम्प्लीमेंट्री थ्योरी कि दोनों थ्योरी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. कम्प्लीमेंट है एक दूसरे के. जहाँ वेव थ्योरी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पार्टिकल नहीं होगा और जहाँ पार्टिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे वहाँ वेव नेचर शो नहीं होगा. इफ़ यू नो विच द पार्टिकल ऑफ टेक्स प्लेस वी लूज द फ्रिंजेस. The importance of two-slit experiment has been memorably summarized by Richard Feynman, the great scientist, a phenomena which is impossible, absolutely impossible to explain in any classical way, and which in it the heart of quantum mechanics, in reality it contains only mystery. तो ऐसा कोई phenomena जो impossible हो, absolutely impossible, classically, और वही क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक हॉट की तरह है जो मिस्ट्री लगता है. हाइजेनबर्ग माइक्रोस्कोप एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. द माइक्रोस्कोप इज एन इमेजिनरी डिवाइस टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. दिस इज द लाइट सोर्स of wavelength lambda, lens with angular diameter theta, and we get the resolving power look like as delta y is greater than equal lambda upon theta. Magnitude of p is the same before and after the collision. Momentum before and after same होता है क्योंकि uncertainty in momentum along y direction, uncertainty in particle equal uncertainty in particle y momentum. This is a component along here. P sine theta by 2 P sin theta by 2 here also minus P sin theta by 2 sin theta by 2
अब निगेटिव साइन, क्योंकि वाई का डायरेक्शन निगेटिव है। फॉर स्मॉल अप्रॉक्सीमेशन डेल्टा पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा बाई टू, दिस इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज द टू पी साइन थीटा बाई टू, एंड आफ्टर अप्रॉक्सीमेशन वी गेट टू पी एंड दिस साइन थीटा बाई टू इक्वल थीटा बाई टू, तो टू पी इंटू थीटा बाई टू इज इक्वल टू पी थीटा, एंड फ्रॉम द ब्रॉगली रिलेशन पी इक्वल एच अपॉन लेमडा, सो वी कैन राइट एज अ डेल्टा पी वाई इक्वल एस थीटा अपॉन लेमडा, एंड यूजिंग दिस वी गेट डेल्टा पी वाई इंटू डेल्टा वाई इक्वल एच, वेयर डेल्टा वाई इज डिस्प्लेसमेंट पोजिशन एंड डेल्टा पी वाई इज द मोमेंटम अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। पॉइंट फॉर डिस्कशन, द थॉट एक्सपेरिमेंट सीम्स टू इम्प्लाई दैट वाइल प्रायर टू एक्सपेरिमेंट वी हैव वेल डिफाइंड वैल्यू, इट इज एक्ट ऑफ मेजरमेंट विच इंट्रोड्यूसेस द अनसर्टेंटी बाय डिस्टर्बिंग द पार्टिकल्स पोजिशन एंड मोमेंटम। Nowadays it is more widely accepted that quantum uncertainty is intrinsic, ज़्यादा वास्तविक है थ्योरी की। तो जो एक्सपेरिमेंटल का एक्सपेरिमेंट का थॉट था वो ये था कि मेजरमेंट हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते पोजिशन और मोमेंटम को एक साथ, अगर हम मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर कर पाएँ तो पोजीशन नहीं कर पाएंगे, और अगर पोजीशन को एग्जैक्टली मेजर कर पाएँ तो मोमेंटम नहीं कर पाएंगे इन द सेम टाइम। हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल, दिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल एच बार पॉइंट टू, सिमिलरली अलॉन्ग वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। वी कैन नॉट साइमल्टेनियस मेजर नॉलेज ऑफ simultaneous knowledge of conjugate variables such as position and momenta. Momenta is the plural word of momentum. Note, however, this is equal zero. Arbitrary precision is possible in principle for position in one direction and momentum in another. This is also an energy time uncertainty relation. This is delta t is the time and delta is energy. So as like a position and momentum, energy time uncertainty relation. Also we have the angular momentum and angular displacement uncertainty relation. Transition between energy levels of atoms are not perfectly sharp in frequency E equal h nu 3 to 2, this is 3 and 2. An electron in n equal to 3 will spontaneously decay to lower level after a time, after a lifetime of order 10 to the power minus 8 second. तो इलेक्ट्रॉन 10 पावर माइनस 8 सेकेंड में हायर लेवल से लोअर लेवल में डिके करता है। कंक्लूजन, लाइट एंड मैटर एग्जिबिट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, रिलेशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल गिवन बाय द रिलेशन ई इक्वल टू एच न्यू एंड पी इक्वल एच बाय लैम्डा, एंड एविडेंस फॉर पार्टिकल प्रॉपर्टीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्प्टन इफेक्ट, सो ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस फॉर वेव पार्टिकल मैटर, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इंटरफ्रेंस ऑफ मैटर वेव, दिस इज सोन फॉर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हीलियम एटम एंड कार्बन 60 मॉलिक्यूल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल गिव्स द नॉलेज फॉर कंजुगेट वेरिएबल डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज दिस मच along x axis y axis and z axis. So this is the basic idea about the quantum mechanics, and I hope ki video samajh mein aaya hoga. Aaj ke video mein sirf itna hi. Thank you.